माता बहनों, आप जितने लोग बैठे हैं शांतिपूर्वक अगर इसी तरह आप लोग बैठे रहेंगे तो हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आज की रात जो कंपनी नाटक दिखाने जा रही है अपने कलाकारों द्वारा आप लोग को जरूर पसंद आएगा। हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग ये नाटक जरूर पसंद आएगा। आज की रात हमारी कंपनी अपने सभी कलाकारों द्वारा नाटक पेश करने जा रही है जिस नाटक का शीर्षक होगा महाराज भर्तृहरि उर्फ विक्रमादित्य का वनवास। हाँ दर्शक बंधु, हमें इस नाटक में हास रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, सभी रसों से कहानी भरी हुई है। तो आइए दर्शक बंधु लीजिए महाराज भर्तृहरि उर्फ विक्रमादित्य का वनवास। चलिए बार साहब चलते हैं नाटक की दुनिया में। आइए लीजिए दर्शन दो
महारानी जी हमारे सन्नाटक की पहली महारानी सिंगला अपने राज दरबार में बैठी रहती है। दरबारी को बुलाती है, दरबारी से क्या वार्ता करती है, ये पहली सीन है। यदि हमारे सन्नाटक में हमसे हमारे कलाकारों से यदि कला में कोई त्रुटियां हो जाती है, हम क्षमा चाहते हैं। चलते चलते हम चाहते हैं कि बाबा साहब के आप लोग कमीशन की सुनाते चले। कैसे भैया मार्शा बात खोल के बाबा साहब की संगीत कहना है कि माँ ने पैदा किया याद नहीं जान कर, कि माँ ने पैदा किया याद नहीं जान कर, लिखने वाले हमें जानवर लिख दिए, उठ गई जब बाबा साहब की कलम तो जानवर की जगह याद भी लिख दिए। कहना है क्या कहना भैया कि अरे बाबा साहब ही मजीदे और गजब लिखानिया कलाम याद, अरे कलाम याद ना तोड़ा लाख तमन्ना बुलानिया हो कलाम याद ना बुलाती है, दरबारी को बुलाकर क्या वार्ता करती है, ये पहली सीन है। चलते चलते मास्टर छोटी सी गीत क्या बात है, जितना तो परेशान कर उतना परेशान कर चला अब क्या बात है मास्टर। पिताजी चले गए हैं, पिताजी के उसी उपलक्ष्य में छोटा सा निर्गम क्या बात है कहना है।
एकदम सही है भैया का उनका प्रकाश भाई तुम्हारा एकदम सही है गणवारी कहाँ गया रेनुआ गणवारी कहाँ गया गणवारी महारानी की जय हो खुश रहो कई महारानी किसी महारानी क्या बात है महारानी मैं एक बात तुमसे पूछना चाहती हूँ इतनी देर हाँ हाँ ये वाला देख के चले गए थे मतलब क्या कर रही थी तुम तने मत थुकवा मत थुकवा गला 14% हो गए ले सरचार्ज होती है क्या कर रही हूँ क्या मुझे मालूम है कोई जान दो तो क्या कर रही आपको क्या मालूम है अब खोल के बता दे तेज बोला दरबारी कहीं महारानी देखिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है दरबारी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई सुंदर सा गीत मुझे सुनाए महारानी आपका अच्छा लगा तो महारानी मोह का अच्छा ना लगा महारानी रोज तो हार्ड ड्यूटी कर लिया आज ए डबू महारानी तेज बोला डबू तेज बोला दरबारी तेज बोला मैं चाहती हूँ किस रात दरबार में कोई मुझे भजन सुनाया जाए दरबारी मुझे आज रात इस रात दरबार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है महारानी भजन कर ली है भजन हाँ भजन कर ली है अरे भोजन की नहीं भजन की बात कर रही हूँ मैं भोजन अच्छा भजन हाँ भजन हम कहने के भोजन करे कर नहीं दरबारी मुझे भजन सुनाया जाए भोजन फिर वही बात मेरे भजन हुए बतिया ठीक है हमारा नया बैठिया भजन सुना ठीक है सुने सुन लो भैया आज महारानी के राजमहल में अच्छा ना लगत हो रोज दौरी दा के आवत ले तो भजन करते ले आज भजन के चाहिए आज के भजन सुनावत है भोजन करा के खटाई डाल के अचार डाल के छोड़ देते लिया भजन चाहिए मगर मासा सुना आज राजमहल में ये राजमहल में आपने महारानी के खुश कर खाली भजन चाहिए इतनी ध्यान रखिया आ तीन दिन से दौरी करते खुश ना हो भजन चाहिए भजन दे देते
मैंने प्यार तुम्हें से किया है। अरे आराम जाते भोजपुरी गाने हैं। अच्छा समझ में आ गए, भजन समझता नहीं है। मुझे भजन सुनाए जाओ, भजन सुनाओ। महारानी के भजन दे जाते हैं, महारानी का अच्छा ना लगा। अगर फिर से गलती हुआ तो हराम जादी इतनी मार मारूंगी, इतनी मार मारूंगी कि तू भी याद रखेगा। जो तुम्हारी मर्जी में तो मंदिर वाले ठीक है। सुनो अरे चुपा ले मैं
अच्छा दिन। अब मत मारा दारा धोए लगी हो। दारा? किसकी बदन की दर्द में दूर कर दूंगी। क्या गा रहा है तू? चुम्मा लेके नथिया तुरिया, यही भजन है, ये भोजन है। क्या हुआ तुझे? महारानी की टीवी हो जाएगी। हराम चादी नहीं बोल, समझता है क्या मैं बोल रहा हूँ? काम खुल देखो, देखा दिक्कत दे दो दरबारी। मैं जान गई तुम्हें भजन आता नहीं। हाँ तुम्हें भजन नहीं आता, तो हम क्या करें दरबारी? मैं चाहती हूँ कि कोई खराब से खराब गाना। हरा? हाँ एकदम खराब गाना। बहुत खराब देंगे महारानी। हाँ वही मुझे सुनाओ। जो सड़ गलो के। हाँ जो सड़ गया हूँ। जो ने पोछिया लकीरा पर गलो के। हाँ बाबा वही है। जो ने कबर कबर रेंगा धोखे। हाँ हाँ वही। ठीक है ला महारानी वही ला। सुनाओ। अब बढ़िया गाना। अपने महारानी के इतना सुंदर भजन देखे तो नीक ना लगे। अब इनके भजन ऐसा नहीं थे कि उनकी निक लगी। हाय हाय हो 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 मोर सखिया, हाय हाय अरे मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। अच्छा भजन सुनाया। महारानी खुश हो गई तो हमको छुट्टी दे दे हम जाएंगे। क्यों क्यों तुम्हें छुट्टी चाहिए?
हाँ राम चादे, इस राजमहल में कोई काम नहीं है, तुम्हें दौरी पे जाना है। हाँ महारानी, ये हमारे प्रकाश भैया जान था कि दौरी पर से लेके हम महारानी। ठीक है, सुबह होने दो फिर चले जाना। तुम्हारी अब का ड्यूटी हमारा। दरबारी, तुम्हारे भजन सुन के मैं बहुत ही खुश हुई। दरबारी चलो मैं जा रही हूँ राजमहल आराम करने। अच्छा चलो, मेरा पैर दबा दो, कई दिनों से दर्द कर रहा है दरबारी। सुन ला हो भैया लोग, क्यों दौरी किया जाओ, थरेसर धरा दिल्ली बिना थरेसर पर जाएंगे। सात घर दुश्मन के ऐसा नौकरी न मिले महारानी। महारानी क्या है? क्यों क्यों तुम्हें छुट्टी चाहिए? दौरिया करत करत मौके आ पड़ गए। हाँ रामचादी, इस राजमहल में जब भी कोई काम करनी पड़ती है तेरा आँख पड़ जाता है, तेरा पेट खराब हो जाता है। इस सब बहाने बाजी में नहीं जानती, ठीक है? चलो पहले मेरा पैर दबाओ। हे भगवान, सात घर दुश्मन कैसे नौकर किया फिर बहुसीर न हो जा। आज तो हमार हार गए लोग के महाराज को गोर दबाए ऊपर, मगर नौकरी करेगा भगवान तो करे के बड़ी। ये नो आज महाराज को गोर दबाए कहे देखे बहुसीर नौकरी करे के हां नौकरी करम ले तो पैसा ना मिले। हां ओए भैया दादा ना भैया साहब को कहा जाए घर Thank you.
के पिया सब हरी नवा जमुना के हो जाए पिया हो हरिना पिया सलवा नदी के किनारे पहुंचे पानी पी सके हरिना पानी पियता कैसे पियता ये पियलाइन से बताओ तने एक बूंद पिए ले दूसर बूंद पिए ले बहलिया, 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 बहलिया,
अरे बच्चा, हम साधु महात्मा हैं, हम तुम्हें बच्चा ना कहें तो क्या कहें? तेरे के मर चुके तू बच्चा बन लगा है? साधु वा फकीर वा अपने घर के आवा तो हम तो आपके बच्चा लोग थे। अच्छा ही बताओ, तुम ही बताओ, मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं? देखा बाबा, हम के बच्चा मत कहा, बच्चा कहवा तुरंत गरम हो जाए, आज तुरंत मारे तुरंत भग से गिर जाएगा। बच्चा ना कहा तो क्या कहा? दरबारी कहा। दरबारी? हाँ ठीक है, दरबारी ठीक है ना, द्वारपाल दरबारी। हाँ 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 ए बाबा। हाँ बोलो। ये बता कहाँ है ना? क्या लड़का देखेगा? द्वारपाल हर समय मजाक अच्छा नहीं है। हाँ मजाक ना करती बाबा, मतलब कि ये खानदान है जोगी है, ये सोचली है कि तू लड़का देखे आ रहा था। द्वारपाल पहले मेरी बात सुनो, जाओ महारानी पिंगला से कहना कि दरवाजे पर गुरु गोरखनाथ आए हैं, महारानी से मिलना चाहते हैं। महाराज को गुरु गोबर बवाल हो? नहीं द्वारपाल, गुरु गोरखनाथ। अच्छा गुरु गोरखनाथ, जाओ मेरा संदेशा पहुंचा दो। एक बात पूछी? हाँ पूछो। कहो बाबा। हाँ बोलो। सब जोगी आवे तो मर्द से मिलना, तुम महाराज कैसे मिला था? द्वारपाल इसका मैं उत्तर बताऊंगा तुझे, पहले जो मैं तुम्हें कहा हूँ जाकर महारानी से कह दो। ठीक है हम जाइए करा। जाओ बाबा। हाँ बोलो। एक बात कहो। कोई खरीदा ना ना? नहीं द्वारपाल कहो। तू चोर ना ना? चोर में जा रहा हूँ बाबा, तोरी सकरिया से देखा ऐसे ऐसे जोगी खाई लेना भौरी या चोखा कुल मोटाई ले और रात घूमे लो और सर्दिया के देख लो कच्चा घर
मैं वैसा जोगी नहीं हूँ, जाओ मेरा संदेशा पहुंचा दो। बाबा ठीक हो सदा हवा तो बाबा देखा गांव में आए हवा कोनो गलत काम न करिया कि हम नाच करिया ले जा पकड़ा ना जाले बाबा घर का मैं जितना कह रहा हूं उतना करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ द्वारपाल, जाओ जाओ मेरा संदेशा पहुंचाओ। कैसे मिलना चाहता महारानी पिंगला से? का नाम से मिले थे? नहीं द्वारपाल, मैं महारानी पिंगला से मिलूंगा, जाओ। देख ला हो भैया लोग बाबा यार हो कहले कि सब मर्द से मिल रहा तुम यार से मिल रहा हम के तो लगता कि चोर छीन रहा गाय एक आचरण हमको सही ना लगा था। इबदारी बड़ोले ठीक हो मगर नई उम्र को हमको लगा था कि छीन रहा है। ए बाबा बोलो द्वारपाल बाबा हो गेटवा बजा के द्वार पर ठीक है द्वारपाल जा आ ऐसे हिलिया मत मुख डर लगती है मां अंदर आ गई कुछ चोरा के लगे भाग ना जा यार चटनी फेंक दिया महारानी महारानी क्या है दरबारी डांट पड़ल हो क्या डांट पड़ल हो एगो बता दे क्या महारानी बतलाओ क्या बात है तोरी मौसी का लड़का रहो क्या बोल रहे थे जोगी बाबा हाँ गोजी बाबा हाँ जानती हूँ जोगी बाबा तो ऊँट तो आसे मिल पाता मुझसे मिलना चाहते हैं हाँ चलो दरबारी मैं खुद जोगी राज से मिलती हूँ जोगी बाबा से मिलना चाहते हैं जोगिया सही आदमी ना मौके लगे खाना तो क्यों छीना ना मारानी जामिल हमसे काले देख के तो समझाओ था अगर कोनो बात हो जाए तो हिम्मत कहिया कि दरबारी में लौट ले ठीक है चाहो मैं जोगी राज से खुद मिलूं मिलिया मगर वो घूंघट काट के मिलिया क्यों रानी पिंगला के प्रणाम आशीर्वाद महारानी सदा खुश रहो महारानी सदा खुश रहो जोगीराज कहो महारानी एक बात आपसे कहना चाहती हूँ बाबा मुझसे कहना चाहती हो हाँ जोगीराज ठीक है महारानी क्या कहना चाहती हो सुनाओ ठीक है जोगीराज तो सुनिए सुनाओ महारानी आरे सोने बातो आरे सुने बात ए जोगी जी आरे जी
बोलो बाबा प्रभु चरणीवा तमनी करनेवा महारानी क्या मेरी बारे में मेरे बारे में तुम जानना चाहती हो? हाँ जोगीराज। तो ठीक है महारानी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे बतला रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना महाराज। ठीक है जोगीराज, बतलाइए। ठीक है महारानी, सुनो मैं क्या बतला रहा हूँ। अरे सुन वो आरे तू सुन बो ये रानिया, आरे हमारी पहचानिया हो। अरे पकड़ा हो ना बाबा। सुनिए आज गिरा, सुनिए अपनी बातों को महारानी। मैं तुम्हारे राज दरबार से कुछ लेने के लिए नहीं आया महारानी। आखिर क्यों आई? मैं कुछ तुमसे मिलने के लिए आया था और तुमसे मुलाकात भी हो गई महारानी। अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दो महारानी। योगीराज अभी अभी तो आज आप मेरी रात दरबार में आए हैं और अभी आप जाने की बात कर रहे हैं बाबा। हाँ महारानी हाँ, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था और तुमसे मुलाकात भी हो गई, अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दो महारानी। योगीराज आप इस रात दरबार में आए हैं तो ये तो आप जानते ही होंगे कि रानी पिंगला का दरबार है। हाँ यहाँ से कोई साधु फकीर खाली हाथ नहीं जाता है। मैं जानता हूँ महारानी, यहाँ से कोई साधु फकीर खाली हाथ नहीं जाता। महारानी मैं तुम्हारे राज दरबार से कुछ लेने के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुमसे मुलाकात भी हो गई, अब मुझे जाने के लिए आदेश दो महारानी, मैं जाना चाहता हूँ। नहीं जोगीराज, नहीं जोगीराज। कहो महारानी क्या चाहिए आपको? अंधन सोना रुपया पैसा धन दौलत जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए बाबा। महारानी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है महारानी, अगर तुम इतना जीत कर रही हो तो ये बतलाओ महारानी, क्या मैं जो तुम्हारे राज दरबार से मांगूंगा तुम दे सकती हो? अवश्य दे सकती हूँ बाबा। ठीक है महारानी, अगर ऐसी बात है तो मांगने से पहले मुझे वचन दो महारानी कि जो मैं तुम्हारे राज दरबार से मांगूंगा तुम इनकार नहीं करोगी। ठीक है जोगीराज, अगर मेरी आप बात पे आपको विश्वास नहीं है तो लीजिए ये रानी पिंगला आपको वचन देती हुई कि राज दरबार से जो भी कुछ मांगेंगे आप मिलेगा आपको। ठीक है महारानी, तो मैं तुम्हारे राज दरबार से मांगने जा रहा हूँ। मांगी बातों को ध्यान से सुनना महाराज, बहुत जल्द मांगी। अरे सुन बू तू सुन बू ये रनिया हमारी बचानिया हो, सुन ले बू ध्यान के लगाया हो। महारानी
मेरी बातों का इनकार कर रही हूँ। इसके पहले तो बड़े शान से कह रही थी कि ये महारानी पिंगला का राज दरबार है, यहाँ से कोई जोगी फकीर खाली हाथ नहीं जाता। शिव की राज, मैं नहीं जानती थी कि आप मेरी स्वामीनाथ को मांगेंगी। हाँ महारानी, हाँ मुझे तो इस राज से भरथरी चाहिए महारानी। लो भरथरी को इस झोलिया में दान कर दे महारानी, मैं शौक से तुम्हारे इस राज दरबार से चला जाऊंगा। भला कैसे मैं अपने स्वामीनाथ को दान कर सकती हूँ? महारानी तुम मेरी बातों का इनकार कर रही है, तुम अपने जवान से मुकर रही है। महारानी तूने मुझे वचन दिया है कि जो इस राज दरबार से आप मांगेंगे आपको मिलेगा। महारानी अभी मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, भरथरी को दान कर दे महारानी, अन्यथा अगर मेरा क्रोध भड़क गया तो इस राज दरबार में बहुत अनर्थ हो जाएगा महारानी। लेकिन जोगीराज मैं नहीं जानती थी कि आप धोखे से वचन लेकर मेरे स्वामीनाथ को मांगेंगी। हाँ महारानी, हाँ मैं तुम्हारे स्वामीनाथ को मांगा हूँ, भरथरी को मांगा हूँ और इस राज दरबार से मैं भरथरी को लेकर जाऊंगा महारानी। नहीं जोगीराज, मुझ पे रहम कीजिए, मैं अपने स्वामीनाथ को। नहीं महारानी, नहीं, तुम मेरी बातों का इनकार कर रही हो और इस गुरु गोरखनाथ का अपने राज दरबार में अपमान कर रही है महारानी। जोगीराज आपसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ बाबा। मैं कुछ नहीं जानता महारानी, मुझे सिर्फ भरथरी चाहिए और मैं भरथरी को लेकर ही जाऊंगा महारानी। जोगीराज अरे बाबा की हलती की बा अरे बलमुआ कैसे, अरे बलमुआ कैसे तेरे चंदा हो जोगीराज।
दासी तुम अपने जवान से मुकर रही है महारानी, मुझे माफ कर दीजिए गिरी महारानी, लाओ भरथरी को इस जरिया में दान कर दे, मैं सौ तुम्हारे राज दरबार से चला जाऊंगा महारानी। महारानी अभी मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, भरथरी पे दान कर दे महारानी, इसी में तुम्हारी भलाई है महारानी, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो कहती हूँ बाबा किस रात दरबार से आप चले जाइए, चले जाइए दरबार से। मैं समझ गया कि तू भरथरी को दान नहीं करेगी, लेकिन महारानी मैं तुम्हारे राज दरबार से ऐसे ही थोड़े चला जाऊंगा, तूने जो मेरा इस राज दरबार में अपमान किया है इस अपमान का बदला तुझे अवश्य मैं बदला जरूर चुकाऊंगा महारानी, मैं तुम्हारे राज दरबार में अपनी माया का जाल बिछा कर जा रहा हूँ महारानी, मैं तुम्हारे इस राज दरबार को तहस नहस नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी गुरु गोरखनाथ नहीं महारानी। जय गुरु मच्छिंद्र नाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय भोलेनाथ। महारानी अब मैं तुम्हारे राज दरबार से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले महारानी ये झोली और सरिया यही पे टांग के जा रहा हूँ, याद रखना अगर इसे कोई छुएगा तो भरथरी छुएगा, अन्यथा दूसरा कोई छुएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा महारानी, जलकर भस्म हो जाएगा महारानी। महारानी अब मैं तुम्हारे राज दरबार से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को याद रखना महारानी, ये कोई साधारण झोली सरिया नहीं, ये हमारे गुरुदेव का दिया हुआ है, अगर तुझे विश्वास नहीं तो अभी छू कर बतला, चल कर भस्म नहीं हो गई तो मेरा नाम भी गुरु गोरखनाथ नहीं महारानी। अब मैं तुम्हारे राज दरबार से जा रहा हूँ, मेरी बातों को याद रखना महारानी, मेरी बातों को याद रखना। अगर कोई इस झुलिया को छुएगा तभी तो जल के भस्म होगा, इस झुलिया को यहीं पे छोड़ देती हूँ मैं और इसे ढकवा दूंगी, ना कोई दिखेगा ना कोई छुएगा, मैं चलती हूँ राजमहल। अरे देखो न पवली सूरतिया अरे सजनी की, अरे गोरी बयन
चला जाऊं तो हत्या करने के लिए कहा महाराज आप ये उम्र में आप हत्या कर अरे बेटे मैं जब मैं जाना चाहता हूँ भक्ति भाव करने के लिए मन भक्ति भाव हाँ राज दरबार हत्या कर जाते हैं क्षमा करी महाराज राज दरबार हाँ बोली महाराज जाओ हमारे दोनों बेटे को बुला लो ठीक है वही बुला रहा हूँ महाराज जल्दी आओ Thank you.
बेटा घर करिए। हाँ पिताजी कही। बेटा धीरे धीरे मेरा चौथा पन आ गया और मैं सोच रहा हूं क्या ना बनवास चला जाओ तपस्या करने के लिए। आप तो कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी। हाँ बेटे आप तपस्या करना चाहते हो। हाँ बेटे हाँ। नहीं पिताजी आप हमें हम लोग को छोड़ कर नहीं जाइए। पिताजी न जाइए। पिताजी न जाइए। बेटा भद्री। हाँ पिताजी। ये हमारे पर जैसे चलाए आ रहा है जब जाधा पन आता है एक ना एक दिन वनवास के लिए चले ही जाते हैं लोग। मुन्ना विक्रमा देव तुम सुन रहे हो पिताजी क्या करें। क्या पिताजी आप जंगल में तपस्या करना चाहते हैं। हाँ बेटे। परंतु पिताजी मैं तो यही कहता हूं कि आप कहिए तो हम अपने राज्य में एक सुंदर सा मंदिर बनवा देते हैं और उसी में आप पूजा पाठ करिएगा पिताजी। नहीं बेटे हमें जंगल ही जाना पड़ेगा। ठीक है पिताजी अगर ऐसी बात है। भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं द्वारपाल। हमने लगी बेस्या करने जाता नहीं द्वारपाल। ठीक है पिताजी अगर ऐसी बात है तो आप जाइए जंगल में तपस्या करने के लिए। लेकिन जाते जाते पिताजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो बेटे। आप बताइए पिताजी इस राज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अरे बेटा विक्रमादित्य कहिए पिताजी। ऐसा तो नहीं मैं भी संतान हूँ। मेरे पास दो दो संतान है आपस में समझ लो कौन यह राजपाट चलाएगा। ठीक है पिताजी ऐसी बात है तो आप बैठिए बड़े भैया। बोलो बोलो भाई विक्रमा दे मेरे भाई पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए और मैं चाहता हूं मेरे भाई कि आप इस राजपाट को लेकर के चलाइए। वाह मेरे भाई वाह। अपना फैसला तो खुद करता है। पिताजी एक बार कहे कि मैं जंगल जा रहा हूं तूने पिताजी को जाने के हां कर दिया। हां मेरे भाई मैं कर भी क्या सकता हूं और आप भी क्या कर सकते हैं। जब पिताजी की यही इच्छा है तो हम उनको इच्छा को टाल नहीं सकते हैं मेरे भाई। अवश्य मेरे भाई मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ। लेकिन बात आगे राज और ताज चलाने की मुन्ना तो जैसे तुम मुझसे कह रहा है मैं तुमसे कह रहा हूँ इस राज और ताज को तुम संभालो मेरे भाई। नहीं भैया आप क्या करें आप इस राज के बड़े बेटे हैं फर्ज तो आपका बनता है कि आप इस राजपाट को चलाइए। मुझे कोई इतराज नहीं मेरे भाई। तो मुझे भी कोई इतराज नहीं है मुन्ना। जैसा मैं कहता हूँ जैसे तू मुझे बड़ा मानता है मैं तेरा बड़ा भाई हूँ तो बड़ा भाई का कहना छोटा हमेशा मानता है तो इसलिए मैं कहता हूँ इस राज को चलाओ तो चलाओ। नहीं बड़े भैया मैं हर एक कहना आपका मान के चला आया लेकिन इस बात को मैं कदापि नहीं मान सकता हूँ। आखिर क्यों मुन्ना। क्योंकि मैं ये गाँव समाज के लोगों से डरता हूँ। कल के लिए गाँव समाज के लोग मुझे ताना मारेंगे कि बड़े के होते हुए छोटा राज चला रहा है। नहीं मेरे भाई मैं इस ताने को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बड़े भैया आप इस राजपाट को लेकर के चलाइए
मुझे कोई प्यार नहीं मेरे भाई। तो ठीक है मुन्ना जरा ऐसी बात है, तो मैं इस राज को चलाऊंगा, लेकिन कल के लिए मुझसे ये नहीं कहना मेरे भाई कि भाई आप मुझसे एक बार पूछे नहीं। नहीं बड़े भैया, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। तो ठीक है मुन्ना, पिताजी के जाने की तैयारी की जाए। ठीक है मेरे भाई। बेटा भरतरी, बेटा भरतरी, कहिए पिताजी। बेटे हेलो राजपाट और तुम चमाना। ठीक है पिताजी, जैसी आपके अच्छा हो। बेटे हमें जाने की तैयारी करें। मुन्ना भी करवा दे, पिताजी के जाने की तैयारी की जाए। ठीक है मेरे भाई। राजपाल इधर आओ, बहुत तुम उदास लग रहे हो, क्या बात है? उदास ना है बाबू, विक्रमा ही। मेरा नाम विक्रमादित्य है, और तुम क्या बोलो? मेरा नाम विक्रमादित्य है। अच्छा विक्रमादित्य, याद कर लो मेरा नाम। अच्छा विक्रमादित्य। हाँ द्वारपाल, पहली बार सुन ले हमने की विक्रमा ही। क्षमा करें पिताजी, जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। अच्छा। पिताजी के लिए साधारण गेरुआ वस्त्र और खाने पीने का सामग्री लेकर के आओ बाजार से। अच्छा, खाए पिए में खा ले, खाने पीने में फल फ्रूट ले लेना। फल फ्रूट? हाँ द्वारपाल। फल ले बा फ्रूट का हो? फ्रूट नहीं जानते हो? नहीं। फल जानते हो? फल जानते। ठीक है, फल जानते हो तो फल लेकर के आना और गेरुआ वस्त्र। फल में तो रिवाजी के लिए नहीं। क्या चीज? तरीबाजी के सचत है ना? हाँ, कि बढ़िया चीज ले ले। बढ़िया चीज? हाँ। कौन सा चीज बताओ? तरीबाजी खाइए तो एक आध महीना दहिया में तो तकलीफ ना है। कौन सा फल है बताओ? तरीबाजी के बादाम ले ले। बादाम? बादाम? हाँ बादाम। ये तो बहुत अच्छा चीज है, सेहत के लिए लाभदायक भी। हाँ, एक है वो बादाम में पप्पा भर का, एक बादाम एक पाव का, पूरा गोल गोल आवत है। एक बादाम एक पाव का? हाँ। झारपाल मैं तो इतनी बड़ी बादाम आज तक नहीं देखा। देखना कहीं घोसे में गिरा नहीं है? घोसे में गिरी है। ठीक है द्वारपाल, अगर ऐसी बात है तो 2 किलो ले लेना। 2 किलो में 8 गो चढ़ी? हाँ ठीक है, ले लेना। बस लेके आओ, जाओ लेकर के आओ, गिरुआ वस्त्र है लेकर के आओ। जल्दी जाओ और जल्दी लेकर के आओ बड़े भैया। हाँ मुन्ना, पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। कौन जानता है पिताजी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? ये तो सही कह रहे हो मेरे भाई। हम सोच रहे हैं बड़े भैया कि पिताजी जब तक हम लोग के पास में हैं उनकी सेवा कर लेते हैं। यतीन तब मेरे भाई, चलिए सेवा करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चले चलते हैं। हरे स्वर्गी से सुंदर सपन से प्यारा है अपना घर हम परी ही परसता रहे सदा तुम्हारा प्यार तुम्हारा प्यार कभी गीत गा रहे हो तुम? हाँ बाबा,
बहुत सुंदर गीत गा रहे हो। जीवन गौरव तो कौनी है। अच्छा, जो हम लोग गीत गाए उसी के दोहरा रहा था ना? हाँ, वही के दोहरा गए। वाह, कैसे गा रहा था? हम लोग कैसे गा रहे थे एक बार जरा फिर से सुनाओ। अच्छा, फिर से सुनाओ। हाँ सुनाओ। तो पैसा लगे? हाँ पैसा देंगे ना। सुनाओ, बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हारे मुख से। सुनाओ। अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है कभी से सुना। अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है कभी से सुना। किसी का खार न छूटे मेरी ससुरा। वाह वाह, तुम्हारी गीत सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। अब मैं तुझे पैसा देने जा रहा हूँ, इनाम। इनाम? हाँ द्वारपाल बाबू, अभी रखा था। आज मैं तुझे ढेर सारा इनाम देने वाला हूँ। कहता ना बहुत ज्यादा। द्वारपाल जोड़िया मगर आगे बढ़िया। इनाम मैं तुझे देने जा रहा हूँ, हाथ ऊपर करो। बाबू जी कर्मा ही मेरा नाम विक्रमादित्य है। क्या बोले हो क्या? अच्छा विक्रमा। हाँ यानी कि विक्रमा ही लाभ है। ए बाबू। हाँ बोलो। इनाम देगा? हाँ इनाम दूंगा मैं तुझे। ऐसे मैं दौरी कर रहा था। इनाम नहीं लगे? इनाम से पेटवा भर गया। गिरवी वस्त्र कहाँ है दिखाओ पहले। गिरवी वस्त्र रखले है। रखे हो? हाँ। जाओ लेकर आओ। लेके आओ जल्दी लेकर आओ। दिल का जाना गिरवा वस्त्र है इसमें? हाँ। दिखाओ भरले है। दिखाओ मुझे कुल भरले है। दिखाओ मुझे का देखावा? जो लाए हो दिखाओ। ये क्या लिया आप? तुम्हारी बाबूजी की कॉफी ले ली। कॉफी? हाँ ठीक है द्वारपाल। अपनी बाबूजी पिया था खांसी आ जाए। ठीक है तो मैं पिला ले। पिया हमारे सामने। अरे देखो अंधे हो क्या? इसमें माछी गिर गई है चूतिए। देख करके नहीं लाते हो? द्वारपाल दिखाओ गिरवा वस्त्र। ये क्या है?
बाल सफा है। बाल सफा हाँ, ये किस काम में आता है बाल सफा? तो हर बाजी जंगल में नहीं है। हाँ हाँ, अपत्ती बिरेट मिली ना। हाँ हाँ, सही बात है। दाढ़ी बढ़ा लाई। हाँ हाँ, नाव बारी मिली है ना, ये भी बात सही है। गिलका ले ले, गिलका। अच्छा, गीला है? गीला है। अच्छा, ये चम्मच है। चम्मच भी? हाँ। तो अरबाव जी एक ला एयर से एयर घूमे, ये पोतली है ना गिलका। हाँ हाँ, तुरंत एक मिनट लगे, तुरंत बराबर झर के गिरे लगी। इतना पावर है इसे? बहुत पावर है, अगर ज्यादा लग जाए तो तुरंत कदर की गिराऊ दे। अच्छा, बहुत काम की चीज है बाबा। बाबा एक नंबर का। कितना पड़ा है? 900। 900? 900। वो 90 रुपया, 100 90 वाला में 900 रुपया। चलो ठीक है, बहुत काम की चीज लाया द्वार पर। और क्या है? तो हरी बाजी के लिए ले उठलानी। क्या उठलानी? उठलानी लेकर क्या है? क्या है ये उठलानी? उठलानी क्या होगा? अरे रेवड़ी है। रेवड़ी? रेवड़ी? हाँ, रेवड़ी नहीं बेकूफ, रोड़ी। हाँ रोड़ी, रोड़ी। हाँ मैं समझ गया, टिक्का उक्का लगाने के लिए। हम माला के जगह में ये पूजा पाठ करिए, जैसे तो हल्लो लगा था तो ये ना लगाइए। हाँ हाँ, सही बात है, ये रोड़ी है ना। रोड़ी ले ले। चलो ठीक है, बहुत अच्छा काम किए हो। हाँ। और गिरगा वस्त्र है इसमें? सब में भर ले। ठीक है, इसे बैग में रखो और मेरी बात सुनो ध्यान से। पिताजी के साथ चले जाना बस स्टैंड पर। हाँ। और पिताजी को बस में बैठा करके तुम वापस चले जाना, ठीक है ना।